रिमोट दे मुझे, बहुत देख लिया तूने। बस दो मिनट, कोहली का सेंचुरी होने ही वाला है, उसके बाद जितना चाहे देख लेना। अरे मुझे बिग बॉस देखना है। ए बिग बॉस गया भाड़ में, रात को रिपीट टेलीकास्ट देख लेना। हाँ तो खाना कौन बनाएगा? रुक 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 रुक, इसने अभी सिक्स मारा, देख मजा। अरे ये क्या सुनता रहता है, चल रिमोट दे मुझे। बस ये खत्म होने ही वाला है, देता है कि नहीं? रुक रुक, इतना जोर से खींचा। हाँ तो तू दे नहीं रहा था, अब दू? छोड़ छोड़, ले ले ले, रुक एक मिनट। ये क्या है? वाह इतना गिन। और बिग बॉस में क्या है, सारे एक्टर झगड़ते रहते? हाँ और तुझे क्या क्रिकेट मैच देख के मिलने वाला है, सारे प्लेयर्स एक बॉल के पीछे ही तो भाग रहे हैं। गया मेरा मैच आज। क्या हुआ? ये क्या सुनते रहता है? कहाँ सूंघ रहा था, बस देख रहा था ना। झूठ मत बोल। अरे मेरी माँ, रिमोट मिल गया ना, सीरियल देखना। क्या तू भी, बस बहुत हो गया, चल उठ। प्रॉब्लम क्या है तेरी? उठ और वहाँ हाथ धो। क्या? लेकिन क्यों, मैं नहीं जा रहा। जाता है कि दू एक? हाँ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। पागल औरत कहेगी। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। छे ये देख, धो लिया, अब खुश। सैनिटाइजर भी लगा। अब सैनिटाइजर भी लगाऊं? हाँ। मैं नहा भी लेता हूँ। नहीं बस सैनिटाइजर लगा, हो जाएगा, और दोबारा मत करना। क्या ये? ए! ठीक है ठीक है। बाप रे क्या पागल है ये। एक बात बता, तेरा मूड आज इतना गर्म क्यों है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या सुनते रहता है, इट्स वेरी डिस्गस्टिंग, सुधर जा। एक बात बोल, आज क्या बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा करके आई है, जो सारा गुस्सा तो मेरे ऊपर निकाल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, घिन आती है समझा कर, क्या पूरे दिन सूंघता रहता है, कोई तो वजह होगी। ऐसे ही बस मन किया सूंघ लिया। ले तू सूंघ के देख। हाँ, दूर। तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू आज ही क्यों कंप्लेंट कर रही है? ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बहुत दिन से देख रही हूँ नाटक। कब, क्या, तू कुछ भी बोल रही है? तू कभी भी सूंघता रहता है। कब देखा तूने? रोज देखती हूँ, हर दिन जब तू नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता है तू सूंघता रहता है। दीदी हाँ, जाओ ये टेरेस पे सुखा दो। छी मुझे नहीं छूना तेरा गंदा टॉवल। क्यों क्या हुआ इसमें? नहीं मुझे नहीं छूना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रुक। क्या हुआ? तू मेरा कोम यूज नहीं करेगा तो फिर मैं कंघी किससे करूंगा? नहीं तू मेरा नहीं लेगा। लेकिन क्यों? नहीं तू बहुत गंदा है। क्या ऑफिस साथ में लेके जाएगी? हाँ। क्या पागल है यार तू। और उस दिन जब मैंने तुझे सब्जी बनाने दिया था? तभी तू खाना बनाते वक्त तू सूंघ रहा था, वो देख के तो मेरी भूख ही मर गई। अच्छा इसीलिए मैं सोचूं मेरा बनाया हुआ आलू का सब्जी तूने क्यों नहीं खाई? हाँ इसीलिए नहीं खाई। ठीक है आज से मैं बनाऊंगा ही नहीं। मत बना, लेकिन तेरी ये गंदी आदत छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ सकता, और ये कोई गंदी आदत नहीं है। ठीक है ये गंदी आदत है, तू जहाँ बैठता है गंदगी करता रहता है। तू कुछ भी बोल रही है। क्या हुआ? जाता रहता है और सुनता रहता है, इसलिए मैं जहाँ भी बैठती हूँ न्यूज़पेपर या कपड़ा बिछा के बैठती हूँ।
तेरी ये गंदी आदत है, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूं। रुक रुक, अरे रुक, प्रॉब्लम सिर्फ तुझे है समझी ना, और तू तो ऐसी बोल रही जैसे तेरी कोई बुरी आदत है ही नहीं। नहीं है, अगर होता तो तू कंप्लेन करता ना। मैं कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चल बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। तू हर रात को देर तक फोन पे खुसुर बुसुर बात करती है वो खरूस बॉयफ्रेंड के साथ, वो सब क्या है? चल हट झूठा कहीं का है। सच में दीदी? हाँ बाहर जा। सारा दिन खुसुर बुसुर खुसुर बुसुर, रात को भी चैन नहीं मिलता। छे नहीं ना बाबा, प्लीज बाबू प्लीज। पक्का? नहीं, वो पुरानी ड्रेस मैंने पिछले हफ्ते ही पहनी थी, मैं नई ड्रेस में जाऊंगी। नहीं, मुझे वो व्हाइट वाला ड्रेस पसंद है जो मैंने नया लिया। हाँ मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ना ही मैं आपको झप्पी दूंगी ना ही मैं आपको किससे दूंगी। और जब मुझे लेट नाइट को कैसे भी करके नींद आ जाती है ना, और तो उसी टाइम खराटे लेना स्टार्ट कर देती, वो भी जोर जोर से। मैं और खराटे? तो मेरी नींद खराब करके खुद चैन की नींद सोती है, तब भी मैंने आज तक कुछ कंप्लेन किया? चल चल कुछ भी बना के मत बोल। और सुन, जब सुबह सुबह मेरी नींद पूरी नहीं होती है तू क्या लाउड म्यूजिक लगा देती है, वो भी रोमांटिक सॉन्ग? छे तू सुनती कम है और सुनाती ज्यादा है, और लव सॉन्ग के साथ योगा कौन करता है? ए तू लिमिट क्रॉस कर रहा है अपनी। और तू मुझे हर साल क्या बर्थडे में पिंकी पोंकी कलर का टी शर्ट देती है? ये सब लड़कियों का चॉइस है, तुझे इतना भी नहीं मालूम है? अच्छा इसलिए तुम्हें दिए हुए गिफ्ट्स नहीं पहनता? मैं कैसे पहनूं, और मैं गलती से भी ये टी शर्ट बाहर पहन के जाता हूँ ना तो फ्रेंड लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ठीक है, और बता क्या प्रॉब्लम है तेरा? तुझे पता है ना मुझे डायरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, तब भी तू वो जानबूझ के फ्रिज में रखती है, और मैं जब सुबह सुबह वो फ्रिज खोलता हूँ ना दूध फट के दही बन जाता है, उसका स्मेल मिलते मुझे ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं करता, और मैं खाली पेट कॉलेज जाता हूँ सिर्फ तेरी वजह से। अगर तुझे इतना ही प्रॉब्लम है तो मत रह मेरे साथ, एक दिन भी अकेले टिक पाएगा? घर का सारा काम मैं करती हूँ, चाहे वो बिल्स पेमेंट्स हो, शॉपिंग हो, साफ सफाई हो, खाना बनाना हो, सब मैं करती हूँ, समझा ना? तू बिन काम का ओवररिएक्ट कर रही है समझी ना। अच्छा ठीक है, तुझे जानना है ना मैं ऐसा क्यों सुनता हूँ? हाँ मुझे एक अच्छा रीजन दे कि क्यों सुनता है। ठीक है मैं बता दूंगा, पर मेरी एक शर्त रहेगी। हाँ ठीक है बोल। अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा ठीक है, अगर तूने उसका सही जवाब दे दिया ना मैं उसी टाइम बोल दूंगा कि मैं ये क्यों सुनता हूँ। ठीक है पूछ। तो फिर सुन, दुनिया गोल क्यों है? मछलियाँ पानी में ही क्यों तैरती है? चिड़िया आसमान में ही क्यों उड़ते हैं? गोल को गोल क्यों कहते हैं? स्क्वायर को स्क्वायर क्यों कहते हैं? लड़की को लड़का क्यों नहीं कह सकते, और लड़के को लड़की क्यों नहीं कह सकते? एनी आइडिया? ये कैसे सवाल है? हाँ वही तो, जब इन सब सवालों के जवाब मिल जाए, कोई वजह मिल जाए, तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं उंगलियां क्यों सूंघता हूँ, पर तब तक के लिए मेरा भेजा मत खा ठीक है? ये बाय बाय बहना।